पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करूं। सिलीगुड़ी का जो वीडियो आया है उसमें जिस बच्चे को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसका नाम क्या है? अंकित यादव। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अब यादव नहीं चाह रहा अखिलेश यादव के अंदर का, क्योंकि अब ममता जी के साथ तो वहां कलकत्ता में जाकर तो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय कार्य समिति कर चुकी है। अब न तेजस्वी जी का यादव जाग रहा है, अपराधी के लिए जागता है। पर अपनी मेहनत करके नौकरी पाने के लिए एग्जामिनेशन देने वाले यादव के लिए नहीं जागता। जानते क्यों? मैं सारे देश के दर्शकों से कहता हूं, सुनो क्या कनेक्शन है अखिलेश जी और ममता जी में। केवल कनेक्शन ये है कि वो मजबूत वाला वोट बैंक है, इसलिए चुप रहना है, कुछ नहीं बोलना है, तब यादव नहीं दिखेगा। इसलिए ओबीसी हो या अपनी जात हो, तब तक जब तक वो मजबूत वाला वोट बैंक ना, मजबूत वाला वोट बैंक दिखा, खटाक से सब यादव वादव किनारे। अब पूछना चाहता हूं, बताइए भाई, अपराधी की जात पूछ रहे थे, परीक्षार्थी की जात क्यों नहीं दिखाई पड़ रही? प्रियंका भारती एंड देन राहुल, एंड देन राहुल जी का एनालिसिस, आई एम वेटिंग फॉर इट। इतने दिनों बाद तो आए। अच्छा प्रियंका जी फटाफट ना योर व्यू पॉइंट। मालिक सुधांशु त्रिवेदी जी बड़े प्यार से भी कह गए कि मार खाने वाला अंकित यादव था, ये नहीं बताया कि मारने वाले की जाति क्या थी। वो भी तो देख लेते कि मारने वाले की जाति कौन थी, आप ही लोग के लोग भेजे हुए लोग थे ना। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। जुम करो। और आप लोग अभी उंगली उठा रहे हैं हमारे लोगों पे, हमारे नेताओं पे। गए आप फोन करने ममता जी को, गए नरेंद्र मोदी फोन करने, नीतीश कुमार जी फोन करने। बिहार नहीं चाहिए, बिहारी से मतलब नहीं, आपको कुर्सी से मोर। लालू जी ने फोन किया, उसके बाद वो आदमी पकड़ा गया। लेकिन नहीं, आप लोग ही वो लोग हैं जो जाति देखकर ठोको नीति अपनाते हैं। एसटीएफ को क्या बना के छोड़ दिया है, ये पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए आप तो इस तरह की घटिया बातें मेरे सामने मत ही कीजिए कि आप लोग यादव वोट बैंक है। मैं तो कम से कम प्राउडली कह सकती हूँ ना कि ये तबका है जो कम से कम रैशनलिस्ट है, सोच सकता है कि देश का विकास कौन करेगा। जो नहीं सोच सकते हैं उनको समझने की जरूरत है कि वोट कैसे सही जगह डाला जाए, कि कोई कपड़ों से देश की पहचान ना करे। और कहीं विदेश में हमारे प्रधानमंत्री जाएं, प्रधानमंत्री के सामने ये बोलते ये छोटे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ये कहने की हिम्मत रखे, उसका बहिष्कार करने की हिम्मत रखे, उनको बोलने की हिम्मत रखे कि ना मैं मजबूत देश के प्रधानमंत्री हूँ। इस तरीके से वहां पर भर भर के बोरा में लेके जाते हैं महिलाओं को वो मोदी मोदी करवाने के लिए। गजब बेइज्जती है। और वहीं उड़ीसा में 80 साल की बुजुर्ग महिला 2 किलोमीटर घसीट घसीट के वो महिला जाती है वृद्धा पेंशन पाने के लिए। दो भारत बना दिए हैं आप लोगों ने, और इसीलिए आप कपड़ों से पहचान करते हैं, जाति से पहचान करते, जाति देख के मार खिलवाते हैं। ये आप लोगों की राजनीति है, और इस गंदी राजनीति का बहिष्कार देश कर रहा है। तभी नरेंद्र मोदी जी का वोट कहां से कहां लुढ़क गया, ये देश देख रहा है। किशोरी लाल जी से भी कम वोट आए हैं उनको। अच्छा बात नहीं है।